उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के तहसीली स्कूल स्थित सीवर लाइन का कार्य चल रहा है। बताते चले, पिछले 8-10 वर्षों से मुरादाबाद में सीवर लाइन डाली जा रही है, लेकिन सड़कों का क्या आलम है, आप इस नजारे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आए दिन सड़कें मुरादाबाद की खराब होती हुई नजर आ रही हैं। इधर सड़कों का निर्माण किया जाता है, दूसरी ओर जल निगम द्वारा सीवर लाइन डालने के नाम पर सड़कें तोड़ी जा रही हैं। जी हाँ, वो जल निगम जो जल की हिफाजत करने की बात करता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सीवर लाइन डालने के समय पाइप लाइन कट गई और बहुमूल्य जल का दुरुपयोग किया गया और सड़कों पर जल बहता हुआ नजर आ रहा है। ये सड़क नहर की तरह नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कई वर्षों से सीवर लाइन का काम चल रहा है। प्रदेश में 2 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन जल निगम की लेट लतीफी के चलते आज तक महानगर में चल रहे सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हो सका। इस दौरान कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे नगर की सड़कें टूटी हुई हैं और महानगर की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद कचहरी रोड तहसील स्कूल की सड़क पर हो रहे कार्य के चलते पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिसकी वजह से राहगीरों और क्षेत्रवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने बताते हुए कहा, काम पिछले 6 सालों से चल रहा है और काम में आप देखिए क्या ढिलाई चल रही है और क्या हो सकती है, कोई सुनवाई नहीं है कोई भी किसी तरीके की। आप सड़कों का हाल देखिए, सुबह को जब ये मेन रोड है बच्चों के स्कूल जाने का, मेन रोड चीजें कहेंगे सारे स्कूल इधर है, और जिस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आप क्या गड्ढे कर रखे हैं, कोई सुनवाई किसी तरीके की नहीं है। अच्छा, ये सीवर लाइन वाले जब आते हैं इनको ये पता नहीं होता कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेन पाइपलाइन काट देते हैं। देखिए आप किस तरीके से हुआ है, यहाँ पे गिर भी रहे हैं क्या लोग कुछ भाई, ये सुबह से शाम तक गिरने का लगातार वो चलता रहता है यहाँ पर, और मेन सबसे बड़ी बात यह है स्कूलों का मेन रास्ता है ये। ये जो नगर पालिका वाले हैं इन्होंने जब यहाँ पे खुदाई करी है और खुदाई करने के बाद सामने चारों का एक घर है, इनका पैप इनका जो है पैप काट गया, आगे लगे पैप काट गया और सारा पानी मानी यहाँ भरा हुआ है। जिस वाले अभी मट्टी मट्टी थोड़ी सारी यहाँ का काम चल रहा था, काम उससे मट्टी भरवाई यहाँ पर। तो पीने के पानी की क्या समस्या रही? पीने के पानी सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की, क्योंकि यह है कि पाइपलाइन काटी गई है और काटने के बाद जो पानी बाहर आ रहा है घर में नहीं जा रहा, पानी इतना अंदर आ रहा बहुत ज़्यादा।